नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक के मेन चैनल के स्टूडेंट्स और टेक्स्ट बुक आईएएस दोनों विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो ये नया सीरीज टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक बुक है लिखी गई है जिया मोदी द्वारा, जिसका नाम है 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया। तो ऐसे 10 लैंडमार्क जजमेंट जो है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लाइव लर्नर्स एक बार कंफर्म कर देना, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट सही है? चलो, सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलो, ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर ओके, सबको जय हिंद, सबको नमस्कार। एक सेंसिटिव केस में से ये एक केस है आज का। तो देखो, नंबर तो हम शेयर नहीं कर सकते, नाम बड़ा अजीब है आपका, बाप का दैत्य। तो क्लास के आखिरी में मैं मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आपके साथ शेयर करूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है? तो आखिरी तक बने रहिए, काफी सेंसिटिव केसेस में से ये एक केस है। अभी तक हमने डिस्कस किया था केशवानंद भारती केस, कल के क्लास में हमने डिस्कस किया आपका मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और कल के क्लास में जो राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट का जो मुद्दा था, कुछ ऐसे ही मुद्दे आपका जो शाहबानो केस है उसमें हम चर्चा में लेने वाले हैं कि किस प्रकार से ट्रिपल तलाक के कारण जो ये एक मुद्दा है, ये आता है आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हर एक रिलीजन के अपने अपने खुद के कुछ नियम हैं, कुछ अपने अपने कानून हैं, और इस कानून के तहत जो नियम है, तो वो नियम क्या हमारे संविधान के नियमों से बड़े हैं, या फिर संविधान का जो अपना कायदा है वो सुप्रीम है, उनके सामने आपके रिलीजियस लॉ जो है वो टिक नहीं पाएंगे। तो ये एक मसला ऐसा हुआ था इस शाहबानो केस में, ये मुद्दा था ट्रिपल तलाक का। आगे जाके तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये मुद्दा था ट्रिपल तलाक का, और इस ट्रिपल तलाक के मुद्दे में जिस प्रकार से शाहबानो के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो यह फैसला देते वक्त उन्होंने किन चीजों का आधार लिया? सबसे पहली बात तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इक्वेलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि केवल वो एक मुस्लिम महिला है तो उसके कारण उसके लिए अलग से कानून होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि ये जो आपका रिलीजियस लॉ है उसके चलते आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आपके रिलीजियस लॉ को साइडलाइन किया जाएगा। तो इस केस में कन्फ्लिक्ट इस बात का हुआ कि ये जो शाहबानो है, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक मुद्दा सामने आया। दूसरा मुद्दा था राइट टू लाइफ का, क्योंकि तलाक के बाद शाहबानो बेगम डिजर्व कर रही थी कि उनको एक अच्छे से कंपेंसेशन मिले, तो राइट टू लाइफ का भी मुद्दा था। लेकिन फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू रिलीजन, तो एवरीवन इज फ्री टू प्रैक्टिस एंड पजेस द रिलीजन व्हाटएवर ही और शी वांट्स। तो हर किसी को आपके राइट टू रिलीजन के तहत उसको फ्रीडम है कि कोई भी धर्म का वो पालन कर सकता है, किसी भी धर्म में वो जा सकता है, और इन धर्म के नियमों का पालन वो कर सकता है बिना दूसरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बिना। तो हमारे संविधान में केवल यही नमूद किया गया है कि आप बिल्कुल फ्री हो, आप जो कोई धर्म अपना रहे हो उसके नियम आप अपने निजी जीवन में उसका आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन दूसरे किसी धर्म को आप हर्ट नहीं करोगे। तो शाहबानो केस में यही हो गया कि अगर शाहबानो के पक्ष में ये केस जा रहा है तो इनके जो शौहर थे, तो भाई उनका ये मानना था कि फिर ये मेरा राइट टू रिलीजन का हनन कर रहा है, और जो भी एक मेरा फंडामेंटल राइट, तो अगर हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि हमारे ये रिलीजियस कानून के तहत ट्रिपल तलाक हमारे रिलीजन में एक्सेप्टेबल है, अभी नहीं है, 2019 के बाद नहीं है, लेकिन ये केस जो है, जब ये केस स्टैंड हुआ था तब ट्रिपल तलाक जो है उसको लेके किसी भी प्रकार की जो है कॉन्ट्रोवर्सी हुआ करती थी, बट उस ट्रिपल तलाक को लेके जो 19 में अभी कानून बना है वैसा कोई भी प्रकार का कानून नहीं बना था, ठीक है? चल आगे चलते हैं, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो कमेंट सेक्शन में कोई बकवास करेगा बच्चों, तुरंत ऐसे लोगों को ब्लॉक करके क्लास से फेंक देना है, क्योंकि इस प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स है, इसी के लिए लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशियल सिस्टम है। तो जो क्लास का अपना जो डिसेंसी कोई अगर खराब कर रहा है तो ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है? और ऐसे लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए। तो आते हैं केस की तरफ। तो ये केस था, इसका नाम है आपका मोहम्मद अहमद खान, ये थे उनके शौहर।
तो मोहम्मद अहमद खान इन्होंने क्या किया, ओल्ड एज में किसी और जो है विमेन के साथ उन्होंने शादी कर ली जो उनसे एज में काफी कम थी। शाह बानो का एज तब ज्यादा था, शी वॉज अराउंड 62 ईयर्स ओल्ड। और उन्होंने क्या किया कि दूसरी शादी करने के बाद वो शाह बानो और उनकी दूसरी बीवी के साथ वहां पे रह रहे थे। बाद में 3 साल बाद उन्होंने कहा कि अभी तुम ये घर छोड़ के कहीं और चली जाओ, जो कुछ कंपेंसेशन है वो मैं तुमको देता। तो ये जो केस था, एक तो ये पॉलीगैमी कि आप दो शादियां कर सकते हो क्या, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है क्या ये इसकी इजाजत देता है, क्या इस्लाम में ये कबूल है कि आप दो शादियां करो। चलो अगर आपने दो शादियां कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है उसके बारे में आप क्या, क्या किसी रिलीजन से वो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कानून से बड़ा है? तो बिल्कुल बड़ा नहीं। तो ये अहमद खान ने क्या किया कि शाह बानो को तलाक दे दिया। अभी शाह बानो का ये कहना था कि शायरा बानो जिनका नाम था, शाह बानो बेगम नाम से ये जो कैसे ये फेमस है कि भाई मुस्लिम महिलाएं जो है ये इनके भी अपने कुछ राइट्स हैं, और चूंकि वो भारत की सिटीजन है, भारत में रहती है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ उसके लिए एप्लीकेबल है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, द लॉ मेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सुप्रीम। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिस नजरिए को सामने रखा वो ये था कि इंडिया डोंट हैव एनी स्टेट रिलीजन। पाकिस्तान का अपना स्टेट रिलीजन है, अफगानिस्तान का अपना स्टेट रिलीजन है, तो शायद उनका जो अपना इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन है शायद उससे ऊपर वो उनके रिलीजियस लॉ को माने। क्यों? क्योंकि उनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, लेकिन भारत में ऐसा किसी भी प्रकार का स्टेट रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके चलते शाह बानो ने यह कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार ये मेरे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन कर रहा है, और स्पेसिफिकली जो उनका आगे जाके मैं स्पेसिफिकली एक आर्टिकल के तहत आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई अगर ये अगर आप तलाक दे रहे हो तो जो आपका सेक्शन 123 है, आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत, तो उसके तहत तो ये बात नहीं होनी चाहिए मेरे से। तो 1978 का ये केस है, 75 में ही उनके हस्बैंड ने दूसरा शादी कर लिया था, 78 तक वो उनको मंथली कंपेंसेशन दे रहे थे, लेकिन 78 के बाद उन्होंने उनको कंपेंसेशन देना छोड़ दिया। जैसे ही कंपेंसेशन देना उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद शाह बानो और उनके जो बच्चे थे 5, तो उनके लाइवलीहुड के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। उन्होंने डिवोर्स दे दिया। फिर शाह बानो ने पेटिशन वैसा फाइल किया इंदौर के हाई कोर्ट में, उसके बेंच के पास, और ये उन्होंने पेटिशन जो है वहां पे दाखिल करने के बाद हाई कोर्ट ने शाह बानो बेगम के पक्ष में अपना फैसला चुना। यस, शाह बानो बेगम का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। 1932 में उनकी शादी हुई थी, उनके 5 बच्चे हैं, और अगर शाह बानो बेगम को उनके हस्बैंड उनसे दूर रहने को कह रहे हैं दूसरी शादी करके, तो फिर उस केस में शाह बानो के लाइवलीहुड और उनके बच्चों के लाइवलीहुड के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क निर्माण हुआ, क्योंकि 62 ईयर ओल्ड की महिला अभी वो उतनी सक्षम नहीं है कहीं काम करने के लिए। तो इंदौर हाई कोर्ट ने, उस बेंच ने ये कहा कि भाई देखो, ये जो उन्होंने क्लेम किया है मेंटेनेंस के लिए, उनके जो 5 बच्चे हैं, और ये क्लेम है उनका सेक्शन 123 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो ये बिल्कुल सही है, और इस सेक्शन के तहत एक लीगल ऑब्लिगेशन उनके हस्बैंड के ऊपर होना चाहिए कि अगर ये क्या कहता है कि वाइफ ड्यूरिंग द मैरिज एंड आफ्टर डिवोर्स टू इफ शी इजंट एबल टू फेंड फॉर हरसेल्फ, अगर वो सक्षम नहीं है अपने और अपने परिवार का सब कुछ ध्यान रखने के लिए, पैसा अगर वो नहीं कमा रही है, तो उनको वो कंपेंसेशन मिलना चाहिए, और ये कंपेंसेशन ऑब्लाइज था मिस्टर खान को दे। लेकिन खान साहब ने क्या कह दिया, उन्होंने ये कह दिया कि देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये क्या कहता है कि जब तक आपका इद्दत पीरियड है, इद्दत पीरियड माने कि क्या, कि डिवोर्स के बाद आप 3 महीने तक, 90 दिन तक आप ये इद्दत पीरियड होता है, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। इद्दत पीरियड का और एक क्लॉज मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये है कि अगर वो वाइफ प्रेग्नेंट है तो फिर उस केस में जब तक वो बच्चे को डिलीवर नहीं करती है तब तक वो इद्दत पीरियड रहेगा। लेकिन देखा जाए तो ये इद्दत पीरियड
अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का रहेगा कि तब तक उसका हस्बैंड आफ्टर द डिवोर्स उसको उतना मेंटेनेंस देगा। लेकिन शाहबानो का ये कहना था कि ये जो 3 महीना या फिर 90 दिन का जो इद्दत, ये जो वेटिंग पीरियड है, तो अगर इसमें उतना कंपेंसेशन जो मुझे मिलेगा वो सफिशिएंट नहीं है। इस्लाम में जो शादी होती है तो शादी के दरमियान मेहर दी जाती है। मेहर माने जो लड़की वाले होते हैं, लड़की को वो उतना अमाउंट पे किया जाता है क्योंकि वो शादी करके इनके घर आ रही है। तो फिर उस केस में क्या होता है, उस केस में ऐसा होगा कि क्या ये मेहर सफिशियंट होगा, ये जो मेहर दिया जाएगा तो क्या ये सफिशियंट होगा जो आप शादी करके आप उस मुस्लिम महिला को घर पे ला रहे हो? तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि ये इद्दत पीरियड जो कि 90 दिन का, या फिर डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि अगर प्रेग्नेंट वेमेन है तो डिलीवरी तक, तो फिर उस केस में ये इद्दत पीरियड जो थे इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो आपका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है, आपका अपना इंडिविजुअल कानून क्या है, वो आपके बोर्ड तक आप सीमित रहो। भारत में सुप्रीम अगर कोई कानून है तो आपके द मुस्लिम पर्सनल लॉ जो आपका शरीयत एप्लीकेशन है उससे भी बड़ा है, ठीक है। दूसरा जो था, द कोर्ट कैनॉट टेक द लिबर्टी ऑफ इंटरफेरिंग, ऐसा खान का कहना था, टू दोज मैटर दैट आर लेड आउट अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ। और उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का या फिर आपके इंदौर हाई कोर्ट ने भी शाहबानो के पक्ष में यह फैसला सुनाया था, तो उनके हस्बैंड का यह मानना था कि जो द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है यह उसको वायलेट कर रहा है इंदौर हाई कोर्ट का यह फैसला। तो बोर्ड ने क्या कहा कि यह क्या कहता है कि यह जो मेंटेनेंस है, देखो इसमें क्या होता है कि अगर ट्रिपल तलाक, पहले तो आप एक बार तलाक बोलोगे, फिर उसके बाद एक ड्यूरेशन दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि देखो अगर हो जाता है सेटलमेंट तो ठीक, अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर उस केस में क्या होगा, फिर वो दूसरी बार फिर तलाक, फिर तीसरी बार तलाक। तो ऐसा नहीं कि 3 बार तलाक बोल दिया और उस महिला को छोड़ दिया, ठीक है, 3 बार तलाक बोल के उस महिला को छोड़ा नहीं जाता है। उसमें एक स्पेसिफिक पीरियड दिया जाएगा, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ में स्पेसिफिकली इस्लाम में ये मेंशन किया, तो ये जो कानून था ये कानून क्या कहता है कि देखो अपने आप में, ये कौन सा कानून है, अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ की मैं बात कर, ठीक है, तो भाई उसके तहत अगर आप में सेटलमेंट हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है, उससे ऊपर है आपका पार्लियामेंट्री लॉ। शुरुआत में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि देखो लेट द पार्लियामेंट हैंडल, उनको डिसाइड करने दो कि पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कानून कैसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था कि उनके ऊपर जो फेथ है वो फेथ बरकरार रहे। हालांकि मनेका गांधी केस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इमेज को और अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनेका गांधी का पासपोर्ट अपने पास रख लिया कि जब तक यह फैसला नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, तो लोगों का वो विश्वास वो जीतना चाहता था और ये एक अपॉर्चुनिटी थी सुप्रीम कोर्ट के पास इस शाहबानो केस में। उन्होंने ये कहा कि एक तो ये जो सीआरपीसी 1973 है ये अक्रॉस ऑल द इंडिया, भले ही आप मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो कोई भी हो, आपके इंडिविजुअल रिलीजियस लॉ से ये ऊपर है और ये अप्लाई होगा। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ जो थे ये इसके जज थे और इन्होंने ये जो फैसला दिया और जो इंदौर के हाईकोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया था इसको उन्होंने सही ठहराते हुए ये कहा कि भाई इंदौर का कोर्ट आपने जो अमाउंट दिया वो अमाउंट सही नहीं है, उससे ज्यादा अमाउंट शाहबानो को मिलना चाहिए मेंटेनेंस के तौर पे। और ये शाहबानो के पक्ष में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंड लिया और ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्टैंड आया तो हमारे देश में बहुत बड़ा हंगामा हो गया और एक रिलीजियस रिफ्ट जिसको हम बोल सकते हैं अपने देश में मौजूद हो गया। चलो यहां तक जो कुछ डिस्कस किया सब कुछ क्लियर है, अगर कुछ डाउट है तो बताइए। एंड मेक श्योर गाइस अगर कोई माहौल क्लास का खराब कर रहा है उनको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए ताकि रिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो मैं मिस ना कर पाऊं। पजेस माने कैरी करना आदर्श, व्हाट पजेस, अगर मैं कोई फ्लैट पजेस, पजेशन मिलना माने कि वो फ्लैट का जो है ओनरशिप मुझे मिलना, ठीक है।
आईपीसी में अपराध अभी 2019 का जो कानून आया, भाई पहले तो आपका नाम बदल लो, बाप का देते ऐसे क्या नाम रखे है आपने, स्टूडेंट हो यार थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करो, ठीक है सर। मुस्लिम में दहेज का रूप में जो चीज दी जाती है क्या वो दहेज की लाइन में नहीं आता? कैसा है कि वो दहेज ने उसको वो मेहर कहते हैं और वो लड़की को दी जाती है, तो लड़के वाले नहीं लेते, वो दहेज नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि देखो सप्रेस्ड क्लास किसको कंसिडर किया जाता है, विमेन, और अगर विमेन से पैसा दे रहे हो तो फिर ये विमेन से पैसा ले रहे हो उनके फैमिली से तो ये इल्लीगल है, लेकिन आप उस लड़की वालों को पैसा दे रहे हो। विशाल इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, क्लास के आखिरी तक बने रहिए, मैं आपके साथ मेरा टेक्स्ट बुक का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको मैं शेयर करूंगा, उसको ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग और वहां पे ये पीडीएफ मैं पोस्ट कर दूंगा। नहीं, आप मेहर को दहेज नहीं मान सकते हो और स्पेसिफिकली दहेज का उसको दर्जा दिया भी नहीं है। देखो माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो जो है देश में, सरकार ने जहां जहां पे मुमकिन है वहां वहां पे उनके इंडिविजुअल उनके पर्सनल रिलीजियस अफेयर्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है, ठीक है, नहीं उस पर दहेज का एक्ट नहीं लगेगा मेहर के ऊपर, दिस इज ऑल टूगेदर डिफरेंट केस। हाँ, अगर लड़की वाले लड़के वालों को अगर मेहर दे रहे हैं और उस केस में अगर लड़की वालों ने ऐसा कोई केस ठोक दिया कि भाई ये लड़के वाले हमसे पैसे मांग रहे हैं, तो उसमें भी बिल्कुल यही होगा जो शाहबानो केस में हुआ। फिर क्या होगा कि लड़की वाले जो रहेंगे उनके पक्ष के लोग कहेंगे कि ये दहेज हमसे मांग रहे हैं, और लड़के वाले कहेंगे नहीं हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये तो इसकी परमिशन देता है, तो फिर से स्टेट माने जुडिशियल सिस्टम और पार्लियामेंट ये दोनों डायलिमा में आ जाएंगे कि भाई किसका साथ दे, रिलीजियस जो इनके अफेयर्स है उनमें इंटरवीन करे या फिर इस कानून के तहत उनको अरेस्ट करे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, लड़की वालों को मेहर दी जाती है, ठीक है। मैंने अपने पुलिस स्टेशन में देखा था कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, यस मुकदमा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दहेज का उसको स्टेटस नहीं दिया गया, ठीक है। तो वाई वी चंद्रचूड़ जी जो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के, उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि देखो ये जो आपने कंपनसेशन का अमाउंट दिया है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, और मैं ये कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ाना चाहता हूं, मैं माने सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक माइलस्टोन जजमेंट बन गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बहुत अच्छे से हाईलाइट हो गई इस केस के बाद, क्योंकि हर कोई कानून अपने देश में सबके लिए एक तरीके से लागू होगा, और आपके रिलीजन के पर्सनल लॉ कुछ भी हो उनसे सुप्रीम है आपका पार्लियामेंट्री लॉ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और इस केस ने इस बात को प्रूव कर दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया, तभी जो मैंने आपको शुरुआत के इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई शाहबानो का राइट टू लाइफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके बारे में आपने सोचा और आपने शाहबानो के केस में उनके पक्ष में फैसला दिया, बट वॉट अबाउट राइट टू रिलीजन? तो यहां पे एक बहुत बड़ा डायलेमा निर्माण हो गया कि राइट टू रिलीजन क्या, अगर हमें वो एक धार्मिक स्वातंत्र हमें हमारे मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं तो आप हमारे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो और आपको कानून को वो हक नहीं बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पार्लियामेंट्री लॉ आर द सुप्रीम, एंड ऑल योर रिलीजियस लॉज are not applicable whenever the Supreme Court enters, जब वो कहते हैं तब ये applicable नहीं, ठीक है। तो इसके लिए शाहबानो को ये remedy जो था, ये जो compensation था वो मिल गया, और उन्होंने ये क्या उनका जो statement है वाई वी चंद्रचूड़ सर ने जो statement कहा था, जो decision था, ये पूरा मैंने यहाँ पे लिखे आपको दिया है, ठीक है, ये जरूर पढ़ना आपने, बिल्कुल छोटा है, दो ही slides है, but make sure कि आप इसको read कर। चलो यहां तक कोई सवाल है आपकी तरफ से, सवाल आने दो, कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन है तो पूछिए, तब जाके ये क्लास और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू हैव एनी मोर क्वेश्चन? अगर कुछ सवाल है तो प्लीज पूछिए, एनी डाउट? ठीक है, सब कुछ क्लियर है, फाइन। अभी इस
फैसले के बाद कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि इंदिरा गांधी के हत्या के बाद मेजॉरिटी में कांग्रेस की सरकार फिर से आई और राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है बच्चों? चलो जल्दी जल्दी लाइक करके आपका अटेंडेंस आपने मार्क करना है, और अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आपने पूछना है। इज एवरीथिंग क्लियर? किसी को कोई डाउट? क्योंकि अभी कहानी में एक ट्विस्ट है और उसी ट्विस्ट को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्विस्ट ऐसा है कि राजीव गांधी सरकार फुल फ्लेज मेजोरिटी के साथ आई, और जैसे ही राजीव गांधी सरकार फुल फ्लेज मेजोरिटी के साथ आई तो उनके ऊपर जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स थे, जो एक उनका ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस फंडामेंटलिज्म छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने राजीव गांधी, और आमतौर पर बात करें तो राजीव गांधी तो एक चेहरा थे कांग्रेस का, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की बहुत बड़ी कोशिश की। वो प्रेशर इतना था कि ये कांग्रेस बात जानती थी कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके हाथ से निकल जाएगा, और मुस्लिम वोट बैंक को वो अपने हाथ से निकालना नहीं चाहती थी। ये वो जमाना है कि जब ऑलरेडी जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को दिया था, जो रिलीजियस आपका ये इशू है, ये रिलीजियस इशू पॉलिटिकल बन गया, जो रीजनल पार्टीज है वो कहीं ना कहीं अभी निर्माण होने का समय था, स्ट्रेंथन होने वाली थी रीजनल पार्टीज, आपका समाजवादी पार्टी हो, ठीक है, उसके बाद आपका बाकी के रीजनल पार्टीज। तो कांग्रेस चाहती थी कि अगर हमने इस कानून का फैसला जो है सही ठहराया तो इस केस में ये मुस्लिम वोट बैंक अपने हाथ से चला जाए, और ये मुस्लिम वोट बैंक को हाथ से छोड़ना नहीं था, इसलिए राजीव गांधी सरकार ने एक पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो उन्होंने जारी किया। तो वो था 1986 का मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट, ये कानून उन्होंने लागू किया, जो कि हमारे जुडिशियल सिस्टम ने जो बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण, उनको संरक्षित करने वाला, उनको प्रोटेक्ट करने वाला जो फैसला था, उस फैसले को डाइल्यूट कर दिया, और जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखता था, फंडामेंटल राइट्स को वो बहुत बड़ा मानता था, उन्होंने कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा की, आलोचना की कि ये आपने पॉलिटिकल प्रेशर में आके जो सबसे बेस्ट फैसलों में से एक था सुप्रीम कोर्ट का, आपने उसको ही बदल दिया। अभी ये जो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट ये आया, तो इसमें ये बात मान ली कि देखो ये जो आपको मेंटेनेंस मिलेगा, ये इद्दत पीरियड जो है आपका 90 दिन का, या फिर अगर प्रेग्नेंट हो तो डिलीवरी तक का, वही तक आपको मेंटेनेंस मिलेगा। माने इसमें ये जो कानून राजीव गांधी सरकार ने लागू किया था, इसके चलते जो मुस्लिम महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया था, उस प्रोटेक्शन को फिर से छीन लिया इस कानून ने, और फिर से शाहबानो का जो केस था उसमें कंक्लूजन यही निकला कि आपको लाइफ टाइम तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है उसी के अनुसार आपको ये सब मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने ओवर रूल कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये हो गया तो फिर ये बात चर्चा में आने लगी कि क्या ये जो केस है, वॉट अबाउट द डिग्निटी एंड इक्वेलिटी ऑफ द वुमेन, डजंट मैटर वो कौन से जाति धर्म से बिलोंग करती है, कि क्या इनका अपना खुद का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। माने जिस प्रकार से हमने मनेका गांधी केस में देखा, मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत आप कोई भी एक कानून एस्टैब्लिश कर दोगे, और जो हमारे सिटीजन से उनके मौलिक अधिकारों का अगर आप हनन करते हो तो ये बात सही नहीं है। तो वैसे ही कि अगर कोई भी रिलीजन अपना कोई भी एक नया कानून लागू करके ये जो उनका पर्सनल रिलीजियस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसके तहत आप उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार छोड़िए, लेकिन जो उसके ह्यूमन राइट्स है, मौलिक अधिकार में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट, जो कि एक यूनिवर्सल बेसिक राइट है सभी का, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई नया कानून लाके उनके हक को इस प्रकार से छीन नहीं सकता है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका था, वोट बैंक का इशू था, लेकिन अभी 2017 में फिर से ट्रिपल तलाक को लेके एक नई बात सरकार ने छेड़ी, वो क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले
अगर आप में से किसी को टेक्स्ट बुक सिलेक्ट पे कोई कोर्स परचेज करना हो, हमारी यूपीएससी की बैच चल रही है और यूपीएससी के मल्टीपल बैचेस हैं हमारे, और बैच आ रही है, हमारा स्टेट पीसीएस का बैच है, यूपी पीसीएस का हमारा बैच शुरू हो चुका है, बिहार पीसीएस का है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग, सभी बैचेस टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है textbook.com पे जाइए या फिर textbook के ऐप पे। कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हो तो ये मेरा कूपन कोड है सुमित एम, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा जो कोई कोर्स आप परचेस करोगे। तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा एक्सपर्ट जो एडुकेटर्स का ग्रुप है, हर एक बैच के लिए हमारे उतने एक्सपर्ट्स आपको ठीक से ये सारे मुद्दे समझाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अगर परचेस कर रहे हो तो ये पूरा प्रोसीजर शांति से देख ले। क्लास के आखिरी में मैं आपके साथ जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी शेयर करूंगा, कुछ दिक्कत है तो आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो, यहां तक कोई इशू है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए, अदरवाइज मैं थोड़ा सा ट्रिपल तलाक के पास जाके इस क्लास को कंक्लूड करूंगा। एंड यस, इसके पीडीएफ आप मुझे पूछो उससे पहले बता दूं, ये सारे के सारे पीडीएफ जो है मैं मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। चलो, यहां तक सब कुछ क्लियर है, मैं करूंगा आखिरी में कमेंट मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, किसी को कोई सवाल है तो पूछे। देखिए बच्चे, आप जितना सवाल पूछोगे उतना ये क्लास और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आपको समझने में और आसानी होगा, क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव आपका सामने आएगा। देवाशीष, शिबा, सभी के डाउट क्लियर है बिल्कुल। चलो अभी ट्रिपल तलाक के पास आते हैं। अभी 2014 में फुल मेजोरिटी के साथ एनडीए सरकार आई, एनडीए 2.0, ठीक है, उनके पास उतना स्ट्रेंथ था, हालांकि राज्यसभा में उतना स्ट्रेंथ वो हासिल नहीं कर पाए थे शुरुआत में, लेकिन लोकसभा में तो उनके पास स्ट्रेंथ था। तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ उन्होंने एक नया कानून लाने की कोशिश की, लोकसभा में तो वो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में वो रिजेक्ट। उसके बाद फिर से 2019 में उन्होंने कोशिश की, अब की बार लोकसभा राज्यसभा दोनों में वो पास हो गया, हमारे प्रेसिडेंट को उसको कंसेंट मिल गया, उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दी और वो ट्रिपल तलाक का एक कानून बन गया। और फिर से जो मुस्लिम महिलाओं का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई वी चंद्रचूड़ ने जो दिए थे 85 के केस में, तो वही एक प्रोटेक्शन अभी जो है 19 के कानून ने दिया। लेकिन इसको लेके भी अपने देश में एक मुद्दा ये था कि इस नए कानून के तहत ट्रिपल तलाक देना एक कॉग्निजिबल ऑफेंस बना दिया गया। तो ये कॉग्निजिबल ऑफेंस माने क्या होता है, जब बात आती है आपके कॉग्निजिबल ऑफेंस की तो इसका मतलब विदाउट वारंट आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो। अगर कोई महिला मुस्लिम महिला अगर ऐसा कंप्लेन करती है कि उसके हस्बैंड ने उसको ट्रिपल तलाक दिया, सो विदाउट एनी वारंट उसको जो है पकड़ के अरेस्ट किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। अगर वो महिला खुद तकरा अगर कोई कंप्लेंट लेके नहीं गई है तो फिर उस केस में अगर कोई और ब्लड रिलेटिव है उस महिला का और उसने अगर ऐसा एक कंप्लेंट दर्ज किया, तभी भी उस केस में इसको जो कोई व्यक्ति है उसको जेल में डाला जाएगा विदाउट वारंट। इसको कहा जाता है आपका कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो मुस्लिम लोगों के मन में ये एक बात बैठ गई कि अगर हमारे ऊपर कुछ झूठी केसेस स्टैंड करके अगर हमें जेल में डाल दिया गया तो ये जो हमारा हेबस कॉर्पस है, तो हेबस कॉर्पस के तहत ये इसका उल्लंघन है, क्योंकि ये कानून ये कहता है कि जब तक महिला की तरफ से उसका रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाता है, उसका स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक वो व्यक्ति जो कोई उसका हस्बैंड है जिसने ट्रिपल तलाक दिया है वो अंडर अरेस्ट रहेगा और उस महिला के स्टेटमेंट के बाद ही आगे का फैसला होगा। तो फाइनली ये एक प्रोटेक्शन उनको मिला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको सही से अभी लागू किया जाने की एक संभावना अभी निर्माण हुई है। इन केस शी रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आया था सर, इस केस से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट? यस, मैं वही बात कर रहा हूँ यश, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन तब वो राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया, बाद में 2019 में फाइनली ये कानून आया और इसको कॉग्निजिबल ऑफेंस बना दिया है इस कानून के तहत, और ये एक प्रोटेक्शन मिला है। इस प्रोटेक्शन के तहत ये कंपेंसेशन और ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल से अच्छे प्रकार से एक प्रोटेक्शन उनको दे रही है।
ठीक है, चलो ग्रेट, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलो बच्चों, अगर सब कुछ क्लियर है तो अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं। ये मेरा ऑफिशियल टेक्स्ट बुक का ग्रुप मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हेबस कार्पस क्या होता है? आकाश, की अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया या फिर डिटेन किया तो उसके बाद इसको नियर बाय मैजिस्ट्रेट के पास आपको दाखिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने उसको अनलिमिटेड दिनों के लिए 8-15 दिन आपने उसको रख दिया, 24 to 48 आवर्स में आपको उसको नियर बाय मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। नियर बाय मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे तब वो फैसला करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने उसको लॉकअप में बंद करके। तो ये है आपका हैबस कॉर्पस, ठीक है। चलो सो गाइज, लाइक करके आपका अटेंडेंस मार्क करना है। अगर क्लास अच्छी लगी है, कुछ सुझाव है आपके, तो आपको कमेंट भी करना है इसके ऊपर। अगर आप रोज इसके लिए कंसिस्टेंटली विदाउट मिसिंग अ सिंगल क्लास अगर आप इसको अटेंड करोगे, सो डेफिनेटली आपको ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स है ये समझने में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा एक मैं बताना चाहता हूं कि आस्क योर डाउट्स, ये एक हमारे एप्लीकेशन का यूनिक फीचर है। 24/7 आप हमें डाउट्स पूछ सकते हो। हमारा एक्सपर्ट टीम इंक्लूडिंग द एडुकेटर्स लाइक मी, हम जितने भी हमारी टीम है हम आपके डाउट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। किसी कारणवश बच्चे अगर लाइव नहीं देख पाए, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो भी हमारा सपोर्ट आपके लिए है। दूसरा एक टेस्ट बुक IAS, ये जो दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मैं स्कीम्स की क्लास लेता हूँ। शॉर्ट क्लास होती है मेरी 8 बजे, आप उसको भी अटेंड कीजिए। जो टेक्स्ट बुक IAS के बच्चे अभी उस चैनल पे देख रहे हैं, आई एम सॉरी आपके क्वेश्चंस में नहीं देख पाया क्योंकि मैं मेन चैनल पे अभी कमेंट देख रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक IAS में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मेन चैनल में आके 2 मिनट के लिए मेन चैनल पे आइए और आपका क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मेरी मास्टर क्लास होती है। मास्टर क्लास के लिए आपको किसी पास की आवश्यकता नहीं है। ये मास्टर क्लास रोज शाम 6 बजे में लेता हूँ हमारे टेक्स्टबुक के ऐप पे, ठीक है। तो ये मास्टर क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्जाम परस्पेक्टिव से उसका डिटेल में मैं एनालिसिस करके उसके कुछ क्वेश्चंस और उसके पॉइंट्स में 1 घंटा समझाता हूँ, तो आपके बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर में कवर करके दे रहा हूँ। ये मेरे आने वाले सारे क्लासेस का जो लिंक है ये मैं मेरे टेक्स्टबुक के ऑफिशियल ग्रुप में, ये मेरा टेक्स्टबुक का ऑफिशियल ग्रुप है @SumitSir_Textbook, यहाँ पे मैंने मेरा डिस्कशन फोरम भी शुरू किया है। तो आपके कुछ क्वेरीज है, डाउट है, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आशा करता हूं अभी तक डिस्कस किए सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे। आकाश का मुझे एक लास्ट कमेंट दिखाई दे रहा है हेबस कॉर्पस का, एंड आई होप कि हेबस कॉर्पस का जो मुद्दा था अभी आपका क्लियर हो चुका है। तो अगर सब कुछ क्लियर है बच्चों तो मैं क्लास को अभी वाइंड अप कर रहा हूं। फिलहाल तक तो कोई कमेंट नहीं है, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जल्दी जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये सारे PDF और मेरे आने वाले क्लासेस का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। कंसिस्टेंटली क्लास को अटेंड कीजिए, फाइन। दिवाली में सिर्फ 2 दिन में छुट्टी लेने वाला हूँ, बाकी के दिन हम क्लासेस लेंगे। सो मेक श्योर कि आपकी तरफ से भी उतना कमिटमेंट आप रखिए। सो आई होप यू एंजॉय द क्लास। मिलते हैं अभी मंडे को। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।